Hello and very warm welcome to TV Kapitaka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, Star Plus super hit serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein Mein ab aane wala hai ek zabardast twist. Ji haan, bilkul sahi suna aapne. सीरियल के आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी पूरे तरीके से बदलने वाली है। आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब रीवा अपनी जलन को बाहर निकालने के लिए सभी के साथ नाइंसाफी करने वाली है। जी हाँ, सभी के आने वाले इंटरनल असेसमेंट पेपर्स में रीवा सभी को पूरे तरीके से फेल कर देगी। वो सभी जिसने हमेशा ही पूरे कॉलेज में टॉप किया, जो स्कॉलरशिप के बेसिस पर यहाँ आई और जिसके दिमाग और जिसकी आंसर शीट देखकर ईशान उसका दीवाना हो गया था, वो सभी एग्ज़ाम में फेल हो गई। जिसके बाद सभी रोती हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, ईशान के पास जाएगी और ईशान उसे संभालेगा और कहेगा कि मैं खुद तुम्हारी आंसर शीट चेक करूँगा कि आखिर तुम फेल हुई कैसे। ऐसे में दोस्तों, रीवा ईशान से लड़ेगी और वो भी सभी के खिलाफ, और कहेगी कि ये कौन सी ऐसी स्टूडेंट है सर आपकी, जिसके लिए खुद कॉलेज का डायरेक्टर आकर मुझसे बात कर रहा है। आपकी स्टूडेंट ने अच्छा पेपर नहीं लिखा था, मैंने उसे फेल कर दिया और इसके जैसे कई और बच्चे भी फेल हुए हैं। आपने बाकियों के बारे में तो नहीं पूछा, सिर्फ इसी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर, ये मेरा काम है और आपका काम हमारे मामलों में इंटरफेयर करना नहीं है, तो इसीलिए आप इसके आंसर शीट से दूर रहिए। ये सुनकर ईशान पूरे तरीके से हैरान हो जाएगा, क्योंकि रीवा जो भी कह रही है वो सही कह रही है। डायरेक्टर एक स्टूडेंट के पेपर चेकिंग में आए, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसे में सभी का इकलौता भरोसा तो ईशान ही था। रीवा का ये बिहेवियर देखकर सभी बहुत परेशान होगी, क्योंकि रीवा तो उससे अच्छे से बात करती थी, उसकी दोस्त थी। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रीवा ने उसके साथ ऐसा किया? वेल, दोस्तों, रीवा अपनी जलन को कम करने के लिए और सभी को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से अभी बहुत सारे बड़े बड़े और गंदे और खतरनाक कदम उठाने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों, सभी और ईशान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में अपनी राय आप ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।